फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को शेयर करने का सबसे आसान और फास्टेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है यू वुड प्रोबेबली से कि उन्हें एक्सपोर्ट करो एंड मेल कर दो एंड वॉट इफ आई से कि अगर मेल ही करना है तो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से भी तो मेल कर सकते हैं येस दैट्स राइट इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग हाउ टू यूज ई मेलिंग फीचर ऑफ टेलीप्राइम सो हे एवरी वन दिस इज वैष्णवी एंड वेलकम टू अकाउंट्स एक्सपर्ट सो so, हमारी बेसिकली एक कंपनी है जिसके अंदर हमारी सर्टेन रिपोर्ट्स हैं जैसे बैलेंस शीट पी एंड एल वगैरह तो लेट्स सपोज की बैलेंस शीट है इसे हमें क्या करना है मेल करना है अब इस बैलेंस शीट को मेल करने के लिए कुछ सर्टेन सेटिंग्स होती हैं फीचर्स होते हैं जिन्हें हमें एक्टिवेट करके आना होता है हमारी जी के ऊपर तो चलिए पहले उन कन्फिग्रेशन को सेट करते हैं उसके लिए आपको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है जी मेल एंड अपने को लॉग इन करना है फटाफट से जैसे ही आप लॉग इन कर लेंगे आफ्टर दैट आपको यहां पे क्लिक करना है मैनेजर गूगल अकाउंट के ऊपर जाना है देन यहां से आपको लेफ्ट हैंड पे यहां पे सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करना है देन आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेस सिक्योर ऐप एक्सेस का अच्छा एक चीज़ में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ लेट्स सपोज आपके सिक्योरिटी टैब में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसका रीजन में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ उसका रीजन है कि यहाँ पे आपने साइन इन टू गूगल के अंदर जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो ऑन कर रखा होगा तो उसकी वजह से वो लेस सिक्योर ऑप्शन नहीं दिखाएगा तो अगर वो नहीं दिखा रहा है तो उसके लिए आपको पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ करना होगा आफ्टर दैट वो यहां पे आपको ये ऑप्शन दिखा देगा लेस सिक्योर ऐप एक्सेस का राइट right? तो इसके ऊपर आपको टर्न ऑन एक्सेस करना है एंड इसे एक्टिवेट कर देना है कुछ इस तरीके से राइट आफ्टर दैट इसे क्लोज कर देंगे देन वापस से होम पेज पे आने के बाद यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे सेटिंग्स पे जाने के बाद सी ऑल सेटिंग्स करेंगे आफ्टर दैट कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने अपीयर होगी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉरवर्डिंग एंड पी ओ पी आई एम ए पी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है देन यहाँ से आप इनेबल आई एम ए पी पे क्लिक करेंगे आफ्टर दैट नीचे आने के बाद सेव चेंजेस कर दीजिएगा तो इस तरीके से जो कन्फिग्रेशन हमें नेसेसरी थी सेट करनी वो हमने सेट कर दी हैं आफ्टर दैट आप इसे मिनिमाइज़ कर देंगे एंड वापस से अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे तो हम बात कर रहे थे कि हमें बैलेंस शीट मेल करनी है तो किस तरीके से करेंगे जैसे आपको सबसे पहले अपनी वो रिपोर्ट ओपन कर लेनी है जैसे मैंने अपनी बैलेंस शीट ओपन की हुई है यहाँ पे आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है ऑल्ट प्लस एम तो ऑल्ट के साथ आप एम प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके के ड्रॉप डाउन एरो अपीयर होंगे यहाँ से आपको करंट पे एंटर प्रेस करना है कुछ इस तरीके से स्क्रीन अपीयर होगी यहाँ पे ई मेल फ्रॉम यहाँ पे आपको वो मेल आईडी भरनी है जिस मेल आईडी से आप मेल भेजना चाहते हो तो यहाँ पे प्रीफिल आ गई है क्योंकि मैंने पहले भी ये मेल आईडी यूज करी है अगर इस मेल आईडी के अलावा आप कोई दूसरी मेल आईडी यूज करना चाहते हो तो आप क्रिएट पे जा सकते हो बट मैं यही सेलेक्ट करूंगी ई मेल टू आप किस पर्सन को मेल भेजना चाहते हो उनकी मेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी यहाँ पे देखिए आपके पास दो ऑप्शंस अपेयर हो रहे हैं मल्टीपल एड्रेस और न्यू एड्रेस मल्टीपल एड्रेस जब आप एक से ज्यादा लोगों को मेल भेजना चाहते हो न्यू एड्रेस में सिंगल यूजर आपके पास आएगा तो आप न्यू एड्रेस लोगे मैंने यहाँ पे मेल uh, आईडी भर दी जिनको मैं भेजना चाहती हूँ मेल कुछ इस तरीके से राइट आफ्टर दैट इसको सेव करेंगे सब्जेक्ट इसका बैलेंस शीट रहेगा चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे आप कोई भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो आप अटैच करना चाहते हो अपने मेल के साथ तो जैसे हम लिख देते हैं कुछ इस तरीके से दैट इसको एंटर करेंगे अब यहाँ पे अगर आपको कोई सेटिंग्स चेंज करनी है तो आप कर सकते हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इस कंडेंस को डिटेल करना है मतलब ये जो फॉर्मेट है ये कंडेंस है मतलब शॉर्ट फॉर्मेट है मैं चाहती हूँ कि जो बैलेंस शीट अपेयर हो वो डिटेल्ड फॉर्मेट में हो तो उसके लिए मैं कन्फ्यूगर पे जाऊँगी एंटर करूँगी नीचे आ जाएंगे फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो एंटर करके डिटेल्ड में ओके तो इस तरीके से फिर कंट्रोल इसे सेव से कर देंगे बाकी मुझे कोई सेटिंग्स चेंज नहीं है ठीक है देन मेल पर जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे अब मुझे इस मेल आईडी का पासवर्ड भरना पड़ेगा जिस मेल आईडी से मैं मेल भेज रही हूँ तो यहाँ पे हम पासवर्ड फिल कर देते हैं एंड एंटर करते हैं एंड इस तरीके से जो आपकी बैलेंस शीट है वो मेल हो गई है अब बैलेंस शीट मेल हो गई है ये बात कैसे पता चलेगी चलिए मैं आपको दूसरी मेल आई में ओपन करके भी बता देती हूँ हम वो वाली मेल आई ओपन करते हैं जिसके अंदर मेल हमने सेंड की है तो देखिए यहाँ पे अकाउंट्स एक्सपर्ट की तरफ से हमें यहाँ पे बैलेंस शीट रिसीव हो गई है जो अभी अभी हमने सेंड करी थी तो कुछ इस तरीके से सामने वाले रिसीवर को रिसिपियंट को आपकी जो भेजी हुई रिपोर्ट है वो अपीयर होगी सी इट्स दैट सिंपल सो होप यू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू सून टेक केयर बाय